जय हो बालाजी महाराज की। हम आपको इस वीडियो में लेकर जाने वाले हैं बागेश्वर धाम, करवाएंगे बालाजी महाराज जी के दर्शन। हमने ये यात्रा करी थी 28 जुलाई को, मानसून का टाइम था, बारिश हो रही थी। तो बागेश्वर धाम आप कितने सस्ते तरीके से पहुंच सकते हैं? सबसे सस्ता तरीका होता है ट्रेन का। तो ट्रेन आपको कौन सी लेनी चाहिए, मध्य प्रदेश में कौन से स्टेशन में आपको उतरना चाहिए जिससे आपके पास पड़े बागेश्वर धाम, और बेस्ट मौसम कौन सा होता है वहाँ जाने का, कि सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय हो बालाजी महाराज जी के लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स, और आपका स्वागत है फिर से हमारे साथ एक नए वीडियो में। और आज हम आपको करवाने वाले हैं बजरंग बली जी के दर्शन, अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर करवाएंगे। तो इस बहाने हम आपको लेकर जाने वाले हैं बागेश्वर धाम, जो कि है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नामक जगह पे। तो वहां हम आपको लेकर जाने वाले हैं, वहाँ पर बालाजी का जो है विशाल मंदिर है। तो हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे जितना पॉसिबल होगा। तो चलिए बजरंग बली जी का नाम लेके हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी हम हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमने जो ट्रेन यहाँ से बुक करी है वो आती है कुरुक्षेत्र से। दिन के 3:10 पे वो स्टार्ट होती है हरियाणा कुरुक्षेत्र से, और वो न्यू दिल्ली आती है। आज जो है थोड़ा लेट हो गया है, तो वहीं से वो 5:20 पे आ रही है। यहाँ से अगर आपको दिल्ली में से अगर आपको बोर्ड करना है तो 3 स्टेशन है, एक तो सब्जी मंडी है, एक न्यू दिल्ली जहाँ पे हम खड़े हैं, और उसके अलावा हज़रत निज़ामुद्दीन है। तो 3 जगहों से आप उस ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं। 11842 उसका नाम है, गीता जयंती एक्सप्रेस, जिसका हम वेट कर रहे हैं। देखो कब तक आती है, फिलहाल आज लेट हो चुकी है क्योंकि बारिश जस्ट अभी बंद ही हुई है, इस वजह से काफ़ी ट्रेन जो है लेट हैं। तो 11842 गीता जयंती एक्सप्रेस से हम बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। तो हमारी इस जो जर्नी है उस पर आप भी हमारा साथ दीजिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय बजरंगबली, जय बालाजी। हमने जो ट्रेन ली थी वो है गीता जयंती एक्सप्रेस, 11842 उसका कोड है। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि मध्य प्रदेश के खजुराहो को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन से जोड़ती है। हमने ये ट्रेन बोर्ड करी थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आप आराम से टैक्सी, कैब या सबसे बेस्ट रहता है मेट्रो के थ्रू पहुँच सकते हैं। शाम के 6:05 पर यह न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आती है, और 6:20 पर इसका डिपार्चर टाइम होता है, 15 का स्टॉप होता है। जैसे कि बात करें गीता जयंती एक्सप्रेस की, तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है। 9 दिसंबर 2016 को इसका फर्स्ट सर्विस शुरू हुआ था 7 साल पहले। 824 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 18 घंटे 5 मिनट में पूरा करती है। डेली सर्विस इसकी रन होती है। जनरल के इसमें आपको मिलेंगे कम से कम 10 डब्बे, स्लीपर के आपको मिलेंगे 5, एसी थर्ड टायर के 2, एसी टू टायर के 1, और एसी का फर्स्ट एसी का आपको मिलेगा 1 इसका डब्बा। अगर बात करें रूट्स की कि इसमें कितने रूट आते हैं, कितने हॉल्ट हैं, 26 से 27 जैसे मैंने आपको बताया इसके स्टॉप्स होते हैं। कुरुक्षेत्र से ये दिन के 3:10 पर स्टार्ट होती है। पानीपत, सोनीपत, न्यू दिल्ली, हजरत, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, छत्रसाल, छतरपुर से होते हुए ये अगले दिन 8 सुबह खजुराहो आपको पहुंचाती है। ट्रेन नंबर 2806 From platform number 4. अगर प्राइजेस की बात करें तो जनरल का जो टिकट है वो 205 रुपये पर पर्सन, स्लीपर का 370, थर्ड एसी का 1000, सेकेंड एसी का 1430 और फर्स्ट एसी का 2300 रुपये है। ट्रेन एक्सपीरियंस भी हमारा काफ़ी सही था, नीट एंड क्लीन हमको ये ट्रेन मिली थी। 114-115 किलोमीटर पर आवर तक हमने इसकी मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड करी थी। NDLS से ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकली थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस दिन ये ट्रेन 1 से 1.5 घंटा लेट थी। तो छतरपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमें सुबह 8 इसने पहुँचाया था, वैसे जो छतरपुर में ये पहुँचती है सुबह के 6। अब छतरपुर पहुँचने के बाद जो रेलवे स्टेशन है वहीं पर आपको वेटिंग हॉल सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर का है। वहीं से आप रेलवे स्टेशन से जब बाहर निकलते हैं तो ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलते हैं, जो 50 रुपये पर पर्सन लेकर आपको बागेश्वर धाम पहुंचा देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, मोटरसाइकिल से राउंड लग रहे हैं, उनसे जे नहीं कहते हो तो उनके आ रहे के जा रहे बस में, तो आके सेवा करें सीधी। अरे हमारी हो जाए सेवा।
हम पहुंच गए हैं बागेश्वर धाम। जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा नामक जगह पे है और छतरपुर रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करते हुए वहीं से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाता है 50 रुपये पर पर्सन। उसने हमें यहाँ छोड़ा बागेश्वर धाम में। और ये मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ खाने पीने का बिना लहसुन प्याज का। और मैंने रास्ते में देखे कई सारे होम स्टे और वो है। वैसे तो ये गांव है, छोटा सा गांव है, इस वजह से आपको उतनी सुविधाएं तो नहीं मिलती हैं, बट ये है कि बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर मिलती है, खाने पीने की चीज़ें। और अगर आपको रुकना है तो छोटे मोटे धर्मशाला आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा हम मंदिर की तरफ को पढ़ रहे हैं, तो आप बालाजी के हम करेंगे दर्शन। बेसिकली जो बागेश्वर धाम है वो जो बालाजी है, हनुमान जी बजरंग बली का एक विशाल मंदिर है, तो हम उसकी तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। और जितना हमसे हो सकेगा उतना हम आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए और आगे जो ब्लॉग है उसका मजा उठाइए। ऑटो आपको जहाँ से उतारता है वहाँ से आपको कुछ दूरी का वॉक करना पड़ता है। वहाँ पे आपको वॉक करके आपको काफ़ी सारी शॉप्स मिलती हैं, छोटा सा मार्केट है, एटीएम की सुविधा भी आपको मिलती है। छोटा सा गांव है, इस वजह से आपको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी तो सारी मिलती हैं। अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े हॉल हैं जहाँ पर आप गद्दा लेके 100 रुपये पर पर्सन आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रूम चाहिए तो 500 से 1000 के रूप में मिल जाता है आपको पर्सनल रूम। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी कुछ आपको डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज अर्थात बजरंग बली हनुमान जी का भव्य मंदिर है और यहाँ के प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं जो यहाँ पे दरबार लगाते हैं। दरबार में वो लोगों को बुलाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्या का निवारण करते हैं। यदि किसी कारणवश श्रद्धालु उनसे नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, वो बजरंग बली जी के पास जाते हैं, अपनी समस्या कहते हैं और बजरंग बली उनकी समस्या का निवारण ज़रूर करते हैं। यहाँ पे 3 तरीके की अर्जियाँ लगाई जाती हैं, एक लाल कपड़े के साथ, एक पीले कपड़े के साथ और एक काले कपड़े के साथ। आपकी जैसी समस्या है आप वैसा कपड़ा चुन सकते हैं। लाल कपड़ा किसी भी प्रकार की समस्या मनोकामना के लिए होता है, पीला कपड़ा विवाह संबंधी और काला कपड़ा भूत बाधा संबंधित होता है। तो आपकी जैसी समस्या है आप वैसा कपड़ा लेके नारियल 5 लौंग फूल कपूर 2 मिठाई लेके आप उस कपड़े को लेके फिर आप परिक्रमा करते हैं मंदिर की। 1, 5, 11, 21 अपनी स्वेच्छानुसार आप परिक्रमा करते हैं, फिर आप उस नारियल को मंदिर दर्शन करने के बाद मंदिर के परिसर में कहीं भी बांध सकते हैं। इस तरीके से आप अर्जी लगाते हैं और इस तरीके से आप दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हुए लोग ओम बागेश्वराय नमः का जाप भी करते हैं। अगर आपको यहाँ नाइट स्टे नहीं करना है तो आप वापसी भी कर सकते हैं सेम डे में। ट्रेन हमारे खजुराहो से थी जो शाम के 6:30 पे उसका डिपार्चर था। दिल्ली से खजुराहो के लिए जो 2 ही ट्रेन चलती है, एक वंदे भारत है और एक गीता जयंती है। खजुराहो रेलवे स्टेशन अगर आप आते हैं तो खजुराहो के आसपास घूमने के लिए खजुराहो टेम्पल है जो कि खजुराहो रेलवे स्टेशन से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। शेयरिंग ऑटो करके 20 रुपये पर पर्सन वो चार्ज करते हैं और आप खजुराहो टेम्पल घूम सकते हैं। हम नहीं घूम पाए क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी जिस वजह से हम घूम नहीं पाए, बट आपको बता रहे हैं कि अगर आप आते हैं तो खजुराहो जाइए और टेम्पल भी घूमिए। और अब हम आपको बताते हैं कितने सस्ते तरीके से आप पहुँच सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, बैचलर हैं, तो जनरल में आप आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं। 205 रुपये पर पर्सन, 50 रुपये आपका वहाँ से ऑटो लेता है, 255 रुपये में मात्र आप बागेश्वर धाम आ सकते हैं। उसके अलावा आपका बजट है, आप जैसे आना चाहें आप पे डिपेंड करता है, आप एसी से आना चाहें, स्लीपर से आना चाहें, बट हम बताते हैं कि कितने सस्ते तरीके से आप कहीं पहुंच सकते हैं। तो यही वीडियो थी और आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री बालाजी सरकार की, जय श्री बालाजी महाराज की, जय बजरंग बली।